दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबा दीजिए। ये बिल्कुल फ्री है और आप हमारे साथ हमेशा जुड़ जाइए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, मोहित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो बहुत ही खास है आपके लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ एक ऐसी ऐप के बारे में जिससे आप किसी को भी मैसेज कर सकते हो बिना अपनी पहचान बताए। वो कितनी भी कोशिश करता रहे लेकिन आपकी पहचान पता नहीं लगा सकता। यहां तक कि वो आपके भेजे हुए मैसेज पढ़ तो सकता है लेकिन उसके रिप्लाई नहीं कर सकता। तो दोस्तों, वो ऐप है सारहा ऐप, सहारा नहीं, सारहा ऐप। तो चलिए इस ऐप के बारे में बात करते हैं, इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो चलिए आज के वीडियो में सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, इसके जो क्रिएटर हैं, इसको जिसने इसको ऐप को बनाया है वो है सऊदी अरबिया के जैनुल अबेदीन तौफिक। तो ये जो नाम है वो इसके क्रिएटर है। और इस ऐप में आपको किसी प्रकार का कोई एडवर्टाइज देखने को नहीं मिलेगा, यानी सबसे पहले ये बिल्कुल फ्री ऐप है। प्ले स्टोर पर अगर आप इसको देखना चाहें तो ये लगभग 5 MB की ऐप मिल जाती है, इंस्टॉल भी बहुत जल्दी हो जाती है। और आपको इस पर हैरानी होगी, जितने भी हमारे जो यूट्यूब के क्रिएटर हैं, चाहे हम हों या आपके और भी कोई दोस्त हों, वो सभी के सभी सहारा ऐप भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे लोग उनसे ज्यादा से ज्यादा पर्सनली कनेक्ट हो सकें, अपनी जो अंदर की भावनाएं हैं वो उनको बता सकें बिना किसी हिचकिचाहट के। सबसे बड़ी दोस्तों इसके अंदर फायदा ये है, अगर आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, हिचकिचा रहे हैं, तो उसे सहारा ऐप के माध्यम से बोल दीजिए या कोई क्लू दे दीजिए जिससे वो समझ जाए कि वो आप ही हैं, या आपका कोई दुश्मन है या कोई आपका ऐसा रिश्तेदार है जिससे आप कुछ कहना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं, तो आप इस सहारा ऐप के आप उससे सहारा ले सकते हैं। तो बहुत ही खास ऐप है। तो चलिए इसको प्ले स्टोर से हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद है वो उसमें क्या होता है उसको हम आपको रिव्यू देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं सहारा ऐप में सब लॉगिन करने के बाद अब हम सर्च कर रहे हैं इसमें टैकी मोहित, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिख दिया है। तो आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पर मेरा फोटो आ जाएगा और टैकी मोहित नाम से आपका अकाउंट दिख जाएगा और यहाँ पर आप अपना मैसेज है वो उसको टाइप कर दीजिए। और जैसे ही आप टाइप करेंगे यहाँ से कर देंगे सेंड और 1 सेकेंड के अंदर ही यहाँ पर मैसेज पहुँच गया है। तो मैसेज पहुँचने के बाद दोस्तों आप यहाँ से मैसेज खोल लीजिए, जो भी आपका मैसेज होगा वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले में ऐप के अंदर दिख जाएगा। तो ये देखिए मैसेज जो मैंने भेजा था वो आ चुका है और यहाँ पर ये फ्लैग का निशान दिया गया है, तो इसे आप इसे फ्लैग कर सकते हैं याददाश्त के लिए। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे ऑप्शन भी दिए गए, जैसे इसको आप किसी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो फॉरवर्ड कर सकते हैं, रीड करना चाहते हैं तो, या लव करना चाहते हैं तो इसको लव कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और अगर आप किसी को फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया, इसको टच करके यहाँ पर फॉरवर्ड फेसबुक ट्विटर पर भी इसको मैसेज को सेंड कर सकते हैं। ब्लॉक करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके किसी भी अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये जो ऐप का रिव्यू था, तो आप लोग प्लीज़ इसको देख लीजिए। और तो सहारा ऐप की जो प्रॉस है, यानी जो इसकी अच्छाइयां है उसकी पहले बात कर लेते हैं। नंबर वन जो मैंने कुछ नोट की है वो क्या अच्छाई है। दोस्तों, सबसे बड़ी अच्छाई है कोई भी आपके बारे में पता नहीं लगा पाएगा। नंबर दो इसकी अच्छाई है कि आप किसी को भी अपनी पहचान छुपाए मैसेज कर सकते हैं। नंबर तीन इसकी बात है कोई भी आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकता। नंबर चार मैसेज करने का कोई चार्ज नहीं लगेगा, यानी पहले आपको देखा होगा कि प्रैंक कॉल करते हैं या आपके बहुत सारे फेक कॉलर हैं, उस प्रकार में आपको ISD के लिए $2-$2 $3-$3 लेते थे इसमें, लेकिन आपको मैसेज करने का किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, आप जितना चाहें आप मैसेज कर सकते हैं। नंबर पांच है आप किसी को भी ब्लॉक भी कर सकते हैं, यानी अगर आपको पर्सनली कोई ज्यादा फालतू के मैसेज भेज रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है, तो आप उसको ब्लॉकिंग का एक ऑप्शन आता है जिसमें आप उसको यहां से ब्लॉक भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कॉन्स की, यानी जो भी इसकी बुराइयां हैं। सबसे नंबर आता है इस ऐप से क्राइम होने का चांस है, यानी अगर आपके फोन में इंस्टॉल है और अगर आपके मन में शैतानी आ गई तो आप इससे क्राइम में भी शामिल हो सकते हैं। हो सकता है, मैंने नहीं कहता इसका, ना ही मैं इसका कोई सपोर्टर हूं,
कि आप हो सकता है किसी ऐसे लोग से गतिविधि में जुड़ जाएं या पुलिस को परेशान करें, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि सहारा ऐप है वो लॉगिन करते वक्त आपकी ईमेल आईडी और आपका पूरा एड्रेस ले लेती है, तो इसके लिए आप सचेत रहें। अगर आपके पास कोई इलीगली कुछ एक्शन होता है तो आप पकड़े जाएंगे। तो आप लेकिन हम लोग जैसे कि आपका जो तो नॉर्मल लोग पीपल है वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो टेक्निकली है जो सरकार या गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज है वो आपके तरफ पहुंच सकते हैं। दूसरी जो उसकी कमी है दोस्तों कि कोई भी आपको कुछ भी अंडसंड बोल सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ, अगर आप किसी को बोल सकते हैं तो वो आपका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपको किसी ने बोला तो भी आप उसका कुछ नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी कमी है। और नंबर तीन इसकी सबसे बड़ी कमी है कि कोई भी आपको एडल्ट मैसेज या एडल्ट मैसेज भी सेंड कर सकता है, यानी गलत सलत मैसेज गलत भाषाओं में मैसेज आपको कर सकता है, आप उसे रोक नहीं सकते। तो ये जो मेरी तरफ से कुछ प्रोस एंड कॉन्स थे वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। उसके बाद अगर आपको कुछ लगता है सहारा ऐप इस्तेमाल करने के बाद तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना। हमारी जो पुरानी वीडियो है दोस्तों यहाँ पर आ रही है, तो आप उसको न्यूज भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।